हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉप की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो देख सकते हैं आप ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें जो मैंने स्लीव बनाई है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है। तो देखिए, आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने इसके सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली थी। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग करना। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसका नेक स्टिच करना है। ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है और ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर मैंने नेक को इस तरह से रख लिया है, फ्यूजिंग पेपर वाला जो नेक है। और नेक की शेप में ही हमें यहाँ पे इसमें सिलाई भी रख लेनी है। और यहाँ पे जो नेक के बाहर से, यानी कि जो फ्यूजिंग पेपर वाला नेक है, इसमें हमने साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है इसे भी एक फोल्ड करके इसमें भी पूरे में हमें सिलाई रख लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से पूरे नेक में हमें हाफ इंच की दूरी में पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और सेम इसी तरह से जो हमारा बैक पार्ट है उसका नेक भी हम बना लेंगे। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं पूरे राउंड में, इससे हमारा जो नेक है वो आसानी से रॉन्ग साइड को टर्न हो जाएगा। और यहाँ पे अभी मैं पहले इस तरह से टर्न करने के बाद टॉप स्टिच रखूँगी। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से नेक को खोलने के बाद मैंने पूरे में टॉप स्टिच रख लिया है यहाँ पर, ये देखिए। और अब जो हमारा कपड़ा रॉन्ग साइड से एक्स्ट्रा है, देखिए, इसे भी हम हाफ इंच फोल्ड करके इसमें भी पूरे में सिलाई रख लेंगे। और जो हमारा फ्रंट वाला नेक है ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे पूरा फ्रंट वाला नेक हमारा रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हम बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए, रॉन्ग साइड से भी मैंने इसमें फिनिशिंग दे दी है, बस इसमें तुरपन करनी है या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो बैक पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से राइट साइड को टर्न करके रखना है और इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो इस तरह से दोनों के शोल्डर मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है, ये देखिए। और इसमें जो बैक पार्ट वाला नेक है, देखिए, इससे हमें इस तरह से राइट साइड को टर्न करके इसमें ऊपर से सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का शोल्डर भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने शोल्डर में इस तरह से सिलाई लगा दी है, दूसरे शोल्डर में भी हम इसमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, दोनों शोल्डर में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। अब इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने से शोल्डर में फिनिशिंग आती है, ये देख सकते हैं आप। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हम इसके स्लीव रेडी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्लीव इस तरह से रखा है और नीचे से जो हमें इसमें फ्रिल लगानी है वो फैब्रिक भी मैंने इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पे हमें गैदर्स देनी है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ही गैदर्स देनी है। ये मैंने कपड़ा 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है अपने स्लीव्स के बॉटम पार्ट से। तो यहाँ पर हमें 5 नंबर की सिलाई लगा के इसमें गैदर्स देने हैं। और अगर आपको इस यहाँ पे प्लीट्स देने हैं तो आप कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें, और अगर आपको गैदर्स ज़्यादा देनी है तो भी आप इस कपड़े की चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा लें। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लगभग एक्स्ट्रा लिया है अपने स्लीव्स की चौड़ाई से। तो यहाँ पे हमें गैदर्स देनी है और इसके बॉटम पार्ट पे इलास्टिक लगानी है। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले इसमें 5 नंबर की सिलाई लगा के पूरे में गैदर्स दे देंगे। और ये गैदर्स हमारे स्लीव्स के जो बॉटम वाला पार्ट है उसी के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने गैदर्स दे दिए हैं। ये राइट साइड है कपड़े की। अब इसके बॉटम पार्ट में हमें इलास्टिक लगानी है और सबसे पहले मैं इसमें स्लीव को ज्वाइन कर लूँगी। तो ये राइट साइड है कपड़े की, ये स्लीव की राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे सिलाई रख लेनी है। तो चलिए, इसमें हम सिलाई रख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसमें सिलाई रख ली है। और इस स्लीव पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इस स्लीव की डिटेल वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे इसमें मैंने सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हमें स्लीव के बॉटम पार्ट पर, यानी कि ये देखिए, इसे मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसके बॉटम पार्ट पे यहाँ पे इलास्टिक लगाना है। तो पहले मैं स्लीव को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लूँगी। और अब यहाँ पे देखिए, रॉन्ग साइड से हमें एक फोल्ड इस तरह से करते हुए इसमें आयरन करनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से 1/2 इंच लगभग फोल्ड करेंगे और इसमें पूरे में आयरन कर लेंगे, ये देखिए, इस तरह से। और सेम इसी तरह से मैं अपनी दूसरी वाली स्लीव भी बना लूँगी। तो एक फोल्ड करके इसमें आयरन कर लिया है। अब एक फोल्ड हम और करेंगे और इसमें भी हमें आयरन कर लेनी है। और इसके ऊपर हम हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम ये इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए, इसमें हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे में मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें एक साइड से इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है और दूसरी साइड से निकालते हुए इलास्टिक इसमें डाल लेनी है, ये देखिए।
तो इलास्टिक को मैंने इसमें इंसर्ट कर लिया है। अब दोनों साइड से इलास्टिक को मैं दोनों साइड से सिक्योर कर लूँगी इस तरह से सिलाई लगा के, सेम दूसरी साइड से भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये स्लीव हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। तो अगर आप बनाएंगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने बनाई और कैसी लगी आपको। तो अब हमें यहाँ पे टॉप के बॉटम पार्ट पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, डबल फोल्ड, और यहाँ पे भी इलास्टिक इंसर्ट करनी है बैक पार्ट में भी और फ्रंट वाले पार्ट में भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमें इसमें स्लीव अटैच करने हैं। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से ओपन करके रखा है और इसके बॉटम पार्ट पे भी सिलाई लगा दी है। इसमें अभी मैंने इलास्टिक इंसर्ट नहीं करी, इसे मैं बाद में इंसर्ट करूँगी। तो देखिए स्लीव को हमें इस तरह से रखना है, ये दोनों स्लीव हमारी रेडी हो गई हैं। अब स्लीव की राइट साइड और मेन फैब्रिक की भी राइट साइड हमें एक तरफ रखनी है और इस तरह से मिलाते हुए रखना है। स्लीव के जो मिड वाला पॉइंट है यहाँ पे हम पहले एक कट लगा लेंगे और इस कट से मिलाते हुए जो हमारा टॉप का शोल्डर वाली लाइन है इस लाइन को मिलाते हुए इसमें स्लीव को अटैच कर लेना है। देखिए तो यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा के इस तरह से दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्लीव अटैच हो गई हैं और अब हमें इस टॉप को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करना है और इसके नेक में भी अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई है, नेक में भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे या फिर आप तुरपन भी कर सकते हैं और साइड से भी इसमें हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से, और ये टॉप बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आपको ये टॉप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।